जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। ये वीडियो स्पेशल फॉर यूट्यूबर्स के लिए और मनोज दे भाई के लिए एक सजेशन है, क्योंकि मनोज दे भाई ने 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें अपने एक वीडियो का अर्निंग दिखाया था 11 लाख, जो कि माशाल्लाह बहुत बड़ी बात होती है। एक वीडियो से 11 लाख कमाना बहुत बड़ी बात है, वो सब ठीक है, लेकिन मनोज दे भाई ने जो उसका अर्निंग दिखाया था वो कैलकुलेट करके दिखाया था, जो कि कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि YT स्टूडियो में ये सेटिंग है कि अपने करेंसी में इसको चेंज करके देख सकते हो डॉलर को, और चाहो तो इंडियन करेंसी में आप चेंज करके ही देख सकते हो। हमेशा में चाहो, जब भी चाहो, एक वीडियो का पूरे चैनल का आप अर्निंग देखना चाहो तो आप इंडियन करेंसी से ही देख सकते हो। तो चलिए कैसे करना है ये हम लोग सीख लेते हैं। तो चलिए मैं अपना YT स्टूडियो ओपन करता हूँ। तो हमारा YT स्टूडियो खुल गया है, और उसके बाद से चलिए किसी एक वीडियो का मैं अर्निंग दिखाता हूँ, पहले डॉलर में उसके बाद से इंडियन करेंसी में, ठीक है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, ये हमारा ऊपर वाला वीडियो, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद से एक बार और टैप करता हूँ, उसके बाद से यहाँ पे रेवेन्यू के ऊपर मैं सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद से यहाँ पे डॉलर में देख सकते हो $85 बना है हमारा, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इंडियन करेंसी में। तो यहाँ से मैं बैक करता हूँ, फिर बैक, उसके बाद से यहाँ पे देखिए चैनल लोगो दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद से सेटिंग के ऊपर क्लिक करूँगा, उसके बाद से करेंसी है नीचे सबसे देखेंगे करेंसी, इसके ऊपर टैप करना है। उसके बाद से यहाँ से आपको इंडियन रुपीज़ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे पूरा देश का जो करेंसी है आपको दिख जाएगा, जिस करेंसी में आप अपना अर्निंग देखना चाहते हो आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे इंडियन रुपीज़ लिखा है, इसके ऊपर बस टैप कर देना है एक बार। उसके बाद से बैक, उसके बाद से फिर बैक, फिर बैक, उसके बाद से यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर देना है आपको, और यहाँ पे देख सकते हो टोटल अर्निंग रुपीज़ में हो चुका है। अब मैं एक वीडियो को फिर अर्निंग दिखा देता हूँ, ये वाला वीडियो को, और फिर एक बार और टैप किया, उसके बाद से यहाँ पे रेवेन्यू पे मैं टैप किया। यहाँ पे देखिए 6,800 रुपये इस वीडियोस में कमाया हूँ। पहले मैं आपको डॉलर में दिखाया था, अभी मैं आपको इंडियन रुपीज़ में दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से आप अपने करेंसी को इंडियन करेंसी में देख सकते हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी, और पसंद है वीडियो को लाइक करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अब मनोज भाई, अगर आपको ये वीडियो बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।